हेलो नमस्कार, मैं हूँ विजय। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक कस्टमर हैं जो कि काफ़ी दिनों से हमारे से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट में थे और उनका मार्बल लोड हो चुका है, तो वो हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जिससे कि जो भी कस्टमर मकराना मार्बल लेने के लिए आना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं भैया कहाँ से आए हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन। मेरा नाम राजेश है और मैं झारखंड से हूँ। तो सर, आपको मकराना मार्बल के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिली? और जैसे राजस्थान में माइनिंग तो बहुत जगह होती है, तो उसके अंदर मकराना मार्बल से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन कैसे मिली, उसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे? मेन इंफॉर्मेशन का सोर्स मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था और यूट्यूब के ज़रिए मुझे अश्विनी मार्बल्स के बारे में भी जानकारी मिली। मेरे एक मित्र हैं राजस्थान से ही, उन्होंने भी अपने घर पे मार्बल अश्विनी मार्बल्स के ज़रिए ही लगवाया था। तो सर, हमारी कंपनी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन कैसे मिली? और आपने जैसे मकराना आने के बाद काफ़ी जगह विजिट भी किया होगा या उनसे भी कांटेक्ट किया होगा, तो आपका कैसे क्या एक्सपीरियंस रहा कंपनी के बारे में? मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इस कंपनी में, और चूंकि मैं अकेला आया हूं घर से और मेरे मन में बहुत सारी मतलब डाउट्स थे जो कि आने से पहले मैं सोच रहा था कि क्या मुझे असली मकराना मार्बल मिलेगी या फिर मुझे नकली मकराना मार्बल्स के मतलब असली मकराना मार्बल के नाम पर मुझे नकली मकराना मार्बल दे दिया जाएगा। चूंकि मैं अकेला था और मुझे मकराना मार्बल्स के नाम सिर्फ नाम पता था और मुझे इसका बेसिक नॉलेज भी नहीं आता था कि कौन सी कुमारी मकराना मार्बल है, कौन सा डूंगरी मकराना मार्बल है, क्या डिफरेंसेस होती है। डीप नॉलेज बिल्कुल नहीं था। चूँकि आने के बाद मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस कंपनी के स्टाफ्स के साथ साथ, जो कंपनी जहाँ पर बिलिंग प्रोसेस, लोडिंग और इनफैक्ट आप वैरायटीज़ वगैरह सारे स्लैब्स में मैंने यहाँ पर आसपास थोड़े एक दो जगह विज़िट किया। मैंने कहीं भी स्लैब वगैरह में मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आप देखना चाहें तो कहीं पर प्राइसेस वगैरह लिस्टिंग नहीं की गई है। यहाँ पर ये पहला मैंने देखा कि सारे स्लैब्स पर प्राइसेस वगैरह लिस्ट किया गया है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ ट्रांसपेरेंसी के रूप में मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, जो मैंने अनुभव किया, कि मैंने इनको बताया कि मैं अकेला आया हूँ और सबसे बड़ी बात है कि मुझे मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया इनको कि मुझे मकराना मार्बल से रिलेटेड कोई भी जानकारी या कोई भी बेसिक नॉलेज भी नहीं है। तो इन्होंने बोला मुझे जो पक्की बिल होती है, पक्की बिल से रिलेटेड इन्होंने सारा चीज़ जो भी कस्टमर से हम मुझसे पहले आए हुए हैं धनबाद एरिया से, यूपी से, बिहार से, इन्होंने लिस्ट दे दिया मुझे कि आप सर, आपको अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन इनके लिए सबसे फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है। तो मैंने क्या अब कोई भी डीलर इससे ज़्यादा क्या ही कर सकता है, आपको सारे नंबर्स इनके प्रीवियस कस्टमर्स का दे दिया है कि आप सर इनसे बात कर लीजिए, आपको कस्टमर आपको सेटिस्फैक्शन हो तो ही यहाँ से ले जाओ, इनकी कोई वैसे नहीं थे, आप मतलब आप सेटिस्फाइड हो तो ही ले जाओ। तो मैं अनुभव के तौर पर यही कहना चाहूँगा कि मेरा सबसे अच्छा अनुभव रहा किसी भी क्षेत्र में अगर मैं जाऊँ तो। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मैं कहीं भी मतलब आगे देखता रहूँगा। और सबसे बड़ी बात है कि मकराना मार्बल में यहाँ पर चूँकि आप आएंगे मकराना मार्बल परचेस करने के लिए, तो आप देखेंगे कि राइट फ्रॉम आपके स्टे से, आप चूँकि मैं होटल में रुका था वहाँ से, आप दलाल यहाँ पर जो शब्द है वो आपको सच में ग्राउंड में देखने को मिलेगा कि दलाल कैसे आपके पीछे पड़ने नहीं बोलूँगा, आप अगर एंटरटेन करना चाहेंगे तो वो ज़रूर आपको मतलब मिसगाइड करने के 99% चांसेस है कि आपको सच में। और इस चीज़ के बारे में आप सीरियसली तभी लेते हैं जब आप सच में एक झेल चुके रहते हैं। तो यही मैं कहूँगा कि आप डायरेक्ट यहाँ ओनर से बात करें, किसी भी कंपनी से आप परचेस करें बट ओनर से बात करें और बीच में मेडिएटर के थ्रू ना जाएं, ठीक है, यही मैं कहना चाहूँगा। मैं अपने दर्शकों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जो भैया आए हैं वो बहुत ही कम एज के हैं, ओनली 25 ईयर के हैं और पूरा ज़िम्मेदारी से इन्होंने पूरा एनालिसिस करके उसके बाद मार्बल लोड किया है।
क्योंकि जो भी मोस्टली कस्टमर आते हैं 40 से अबव ही मकान बनाने की सोचते हैं, लेकिन 25 ईयर की एज में इतनी डिस्टेंस से आके और रास्ता नाके पूरा मार्बल का सेलेक्ट करना और फिर लोड करवाना और पूरा बारीकी से हर चीज़ पर इन्होंने पैनी नज़र रखी और पूरा एनालाइज करके और फिर लोड किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, हम इनको थैंक यू देना चाहते हैं। और अब हम भैया से पूछना चाहते हैं किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए जो कस्टमर ये आना चाहते हैं, उनको लिए क्या एडवाइस रहेगी जिससे कि वो भी अपना सपना पूरा कर सके कि ओरिजिनल मकराना मार्बल बाई कर सके। और हर एक का ड्रीम होता है कि मकराना मार्बल लॉन्ग लाइफ वाला होता है, तो ओरिजिनल मकराना मार्बल बाई करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, चूँकि मैंने बताया कि मैं यहाँ अकेला आया था, मुझे मार्बल से रिलेटेड बेसिक नॉलेज भी नहीं था, और जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज थी, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया था, या फिर थोड़ी बहुत भी अगर आप ज़ीरो लेवल से थोड़ा सा अगर ऊंचा अगर स्तर पे थोड़ा सा भी नॉलेज अगर आप बात करें, तो वो मैंने विजय जोशी जी की जो यूट्यूब चैनल थी उनके ज़रिए इनके व्हाट्सएप नंबर पर मैंने कॉन्टैक्ट किया था, और इनके प्रीवियस वीडियोज़ वगैरह मैंने देखे थे, तो थोड़ी बहुत नॉलेज थी और प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं थी। तो मेरे मन में ये क्वेश्चंस ज़रूर थे आने से पहले, चूँकि मैं अकेला आया था और मेरे साथ कोई सुझाव देने वाला नहीं था, कि अगर मुझे पसंद आया मकराना का मार्बल और वो भी एक कॉन्फिडेंस लेवल के को मीट कर रहा है तो ही मैं परचेज़ करूँगा। और एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन के तौर पे एज अ कस्टमर मैं कहना चाहूँगा कि एक ट्रांसपेरेंसी अगर आपको कहीं दिखे तो ही आप परचेज़ करें। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो अभी मतलब झारखंड, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, जो आपकी ख्वाहिश होती है, चूँकि घर ये एक घर में सब लगाना चाहते हैं, फ्लोरिंग में कहीं भी मकराना की मार्बल्स, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप बेशक लगाएं, मकराना मार्बल बहुत अच्छी चॉइस है, बट आपको ये 100% श्योरिटी होनी चाहिए जो आप लगा रहे हो वो प्योर मकराना मार्बल है। इस मार्बल शब्द पर मैं इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे, चूँकि आप आओगे तो ही इस बात को प्रैक्टिकली एनालाइज़ कर पाओगे कि मैं इस बात पर क्यों जोर दे रहा था। एक मकराना मार्बल और सिर्फ एक पीस ऑफ स्टोन जो कि एक पत्थर की बस स्लैब होती है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। और मैंने ये सब चीज़ बारीकी से सीखने की कोशिश की, चूँकि मैं पूर्ण रूप से सीखा नहीं, बट हाँ सही और गलत के बीच का फ़र्क ज़रूर जान गया। यहाँ मैं इतना अनुभव आ गया और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको ट्रांसपेरेंसी दिखनी चाहिए और किन किन बातों पर चूंकि ध्यान देना है, यहाँ पर मैं ज़ोर देते हुए कहूँगा कि आप मेडिएटर के थ्रू ना आए, दलालों के चंगुल में ना पड़ें। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर एक बोर्ड मैंने देखा रास्ते में आते हुए, चूँकि आपने दिखाया था कि दलालों से सावधान, तो वो एक मार्बल एसोसिएशन के द्वारा एक एफर्ट लगाया गया है कि जागरूकता के लिए, कि कस्टमर्स हमारे पास जो भी आए उनको एक जागरूक करने के लिए एक हमारा बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोगों ने कभी एक एफर्ट डाला होगा। एक नंबर वहाँ पे अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, तो मैंने अध्यक्ष जी को फ़ोन भी किया था, उन्होंने बताया कि अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट हो तो हमारे पास बिल्कुल आएँ, विज़िट करें, और कंपनी से रिलेटेड थोड़ी सी भी डाउट है तो हमारे पास आएँ, और कंपनी से रिलेटेड ज़रा सा भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कि ऑथेंटिक फर्म है या नहीं, या फिर अगर आपको डाउट हो रही है कि हमारे पास जो भी मैं परचेज़ कर रहा हूँ उसमें कोई मुझे मतलब रेट्स को विषय में, या फिर आप मकराना में डूंगरी या फिर कुमारी ले रहे हैं तो उसमें से अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो या शिकायत हो तो आप उनको बेशक कॉल करें, क्योंकि वो आपके लिए ही है, हमारे लिए ही है। एज अ कस्टमर मैं बोल रहा हूँ, मैंने कॉल किया तो वो थोड़े अचंभित दिख रहे थे कि हाँ मैंने कॉल किया है, तो वो भी थोड़े मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया कि आप जहाँ कहीं से भी ले, अगर ज़रा सा भी दिक्कत आ रही है तो हमें कॉल करें, हमें अप्रोच करें, हम आपके लिए ही बैठे हैं यहाँ पे। तो ये बात आप ज़रूर करें, आप जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक बहुत दिक्कतें आएंगी, तो आपकी जागरूकता के लिए ही ये सारी चीज़ें का व्यवस्था की गई है, तो आप बिल्कुल इन सब बातों पर ध्यान दें। और मैं यही कहना चाहूँगा अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के माध्यम से कि आप दलालों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वो आपको इस क्वालिटी की चीज़ें दिखाएंगे सस्ते दामों में कि आप
लगाने के बाद उसको एक्सपीरियंस करेंगे कि नहीं ये जो चीज़ आई है जो स्लैब लगाया है मैंने वो मकराना नहीं है, वो कुछ और है, क्योंकि आप दलाल के थ्रू आए और आपको सस्ते में वो चीज़ मिल रही है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दें और डायरेक्ट आप विज़िट करें, क्योंकि आप अगर मकराना आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट विज़िट करें, बिल्कुल इन सब बातों पर ध्यान दें। और ऐसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप कहीं पर भी जाए, और यहाँ पर कोई भी नहीं करता। और इनफैक्ट सबसे बड़ी बात अश्विनी मार्बल्स की यही लगी मुझे कि ये खुद हमें एडवाइस कर रहे थे कि सर आप बिल्कुल बेशक घूमें, आप ऐसा नहीं है कि आप हमारे यहाँ आए तो आप हमारे से ही लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आप बिल्कुल सर आप फ्री हैं, आप घूमिए, आप अनुभव कीजिए क्या है नहीं है, आप सवाल कीजिए तभी आपको जवाब मिलेगा। तो ये सब चीज़ों के बारे में ध्यान देना है। और दलाल के बारे में मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल दलाल से सावधान रहें, दलालों के चक्कर में ना पड़ें, बिल्कुल।